ओके, तो टॉम क्रूज स्टारिंग मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन और फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई है, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन है वो तो मैं तुम्हें इन डिटेल इस रिव्यू के अंदर बताऊंगा ही, लेकिन अगर मेरे को इसे एक लाइन के अंदर रिव्यू करना हो तो इट इज जस्ट अ मिशन इम्पॉसिबल मूवी। एंड मैं चाहता था कि ये बस यही बन के रहे, एंड इसने वो काम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करा है। जिसके अंदर अगर मेरे को सबसे पहले बात करनी है उसके अंदर की स्टोरी की, तो वो इसके अंदर इस बार काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाई गई है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि आजकल के वर्ल्ड के अंदर जैसी चीजें चलनी है उसी के रिस्पेक्ट के अंदर उन्होंने उसे दिखाया है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ये मूवी 2018 से बन रही है अप्रॉक्सिमेटली, एंड तभी अनाउंस कर दिया था कि ये दो पार्ट के अंदर होने वाली है, तो क्या इन्होंने तभी सोच लिया था कि ये इसके अंदर AI वाला कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा है। दिस इज टॉम क्रूज अगेन अहेड ऑफ हिज टाइम। एंड अगर स्टोरी के ओवरले की बात करी जाए तो वो एक टिपिकल स्पाई मूवी की तरह ही चलता है, लेकिन एज ऑलवेज इट इज अ मिशन इम्पॉसिबल मूवी, तो उसके वो टिपिकल ट्रोप्स इसके अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं। लाइक स्टार्टिंग के अंदर इथन हंट के पास कोई आएगा, पार्सल देके जाएगा, वो पार्सल को खोलेगा, जानेगा, एंड 5 सेकंड के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड इसके बाद फिर वो अपनी टोली को फिर से गैदर करेगा एंड उसके बाद निकल जाएगा एक और मिशन के लिए, एंड यू नो व्हाई, बिकॉज ही इज इथन हंट। इसके बाद अगर बात की जाए परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंसेस के अंदर काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं, एंड सभी ने अपना काम काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से करा है, लेकिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ उसे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की, जो की है टॉम क्रूज। लाइक लुक एट हिज फेस, लुक एट द चार्म, लुक एट द हैंडसमनेस दैट ही हैड, इफ दैट इवन अ वर्ड। लाइक तुम इस चीज को खुद सोच के देखो कि यार वो इतने समय से इन सारी चीजों को करते आ रहे हैं, 61 की एज के अंदर भी इतने इस लेवल का एक्शन वो ऑन स्क्रीन दिखा पा रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा रिमार्केबल काम है। एंड मिशन इम्पॉसिबल की सबसे ज्यादा बढ़िया बात यही रहती है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सीन तो ऐसा होता ही है जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो चला जाए, एंड उसके लिए ही सिर्फ और सिर्फ तुम मूवी को देखने के लिए चले जाओ, जो कि इसके अंदर भी था, जो कि है खाई के ऊपर से कूदना, एंड वो भी चीज रियलिटी के अंदर शूट करी गई थी, जिसकी वीडियो एक्चुअली काफी समय पहले से ही अवेलेबल थी, तुमने मोस्ट प्रोबेबली उसे देखा भी होगा इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट होते हुए। एंड ये चीज जब वो सीन आता है तो और भी ज्यादा हिट करती है कि हाँ यार जो तुम देख रहे हो वो एक्चुअली में रियल है। एंड इस बात को लेके सही बताया जाए तो यार टॉम क्रूज का सल्यूट है कि वो इस उम्र के अंदर भी इस चीज को पुल ऑफ कर ले रहे हैं। एंड एक हमारे यहाँ पे होता है जहाँ पे एक्टर को भगाया भी नहीं जाता, आदि पुरुष। इन सारी चीजों को साइड रखने के बाद मैं एक स्पेशल तारीफ करना चाहूंगा हैनी एडविल की, जिन्हें तुम जानते हो कि इन्होंने कैप्टन अमेरिका मूवी के अंदर उनकी मेहरारू का रोल प्ले करा था, एंड उसी मूवी की तरह इसके अंदर भी उन्होंने काफी ज्यादा लाजवाब काम करा है। फॉलोइंग विद उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हुई है। ऑल्सो इसके अंदर बाकी जितने भी एक्टर हैं उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा शानदार काम करा है। उसके अलावा अगर बात करी जाए इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो वो काफी ही ज्यादा सॉलिड था और मेरे को पर्सनली काफी ही ज्यादा पसंद आया। लाइक मैं सिर्फ एक टिपिकल मिशन इम्पॉसिबल ट्यून की बात नहीं कर रहा, वो तो हर बार ही बजती है, वो उसके हम आदि हो चुके हैं एक तरीके से, बट उसके अलावा भी जो बैकग्राउंड के अंदर पंप करने के लिए म्यूजिक बजा रखा था वो काफी ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को। तो ऑल्सो क्योंकि हम लोग मिशन इम्पॉसिबल की बात कर रहे हैं, तो इसके एक्शन के बारे में भी बात करना बनता है। अब देखो एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर हर 10-15 मिनट के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, एंड वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि काफी ज्यादा बढ़िया, जिसे देखने के अंदर तुम्हें इनफ मजा भी आता है, क्योंकि सीधी सी बात है यार वो चीज रियलिटी के अंदर शूट हुई है, एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ देखने के लिए गया था, तो मैंने भी उन्हें आइडिया दिया कि यार जो तुम देख रहे हो वो एक्चुअली में रियल है, तो उन्हें भी मतलब काफी लगता है यार, हिट करता है, एंड ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। बाकी वीडियो एंड करने से पहले मैं काफी ज्यादा बड़ा नोट देना चाहता हूं, काफी ज्यादा बड़ा थैंक यू देना चाहता हूं मिशन इम्पॉसिबल की टीम को, इन्होंने आज तक उसकी फील को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि इसके अंदर वो टिपिकलनेस तो रहती है, लेकिन हाँ उसके अंदर भी एक अपना ही मजा है। एंड पता नहीं क्यों इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यार एक चाइल्डहुड वाली फीलिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आ रही थी, चाहे वो कैरेक्टर्स का मास्क को उतारना हो या फिर कैसेट का जलना हो, चाहे टॉम क्रूज का मुश्किल सिचुएशन से निकल जाना हो, सबका सब लाजवाब था। एंड हाँ बाकी यही था मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बताना। एंड टिल देन गुड बाय, टाटा सी यू बाय।